अगर सिर्फ आप इतना करते हो, गाइड मत लो, कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन आपको क्या करना है, आपको नोट्स बनाने हैं। हेलो दोस्तों, आज हम बात करने वाले हैं हाउ टू स्कोर 90 प्लस इन ईच सब्जेक्ट इन क्लास 10। अगर आप क्लास 10th में हो और 90 प्लस स्कोर करने हैं सारे सब्जेक्ट में, तो आपको ऐसा क्या करना चाहिए, उसके बारे में बात करेंगे। ईच सब्जेक्ट के बारे में बात करेंगे, पहले बात करेंगे हम इंग्लिश से, फिर बात करेंगे मैथ्स, साइंस, हिंदी, SST और IT के बारे में बात करेंगे, कंप्यूटर एप्लीकेशन के बारे में। तो कैसे आप इन सब्जेक्ट्स को पढ़ सकते हो, कौन सी बुक बेटर है और उन बुक्स को कैसे यूज़ करना है, इसके बारे में हम पढ़ेंगे। और कैसे आप अभी से पढ़ के, अभी अगस्त चल रहा है, अभी से पढ़ के आप 90 प्लस स्कोर कर सकते हो ईच सब्जेक्ट में। तो पहला काम है कि अगर आप क्लास 10th में हो तो क्लास 10th काफ़ी इजी सब्जेक्ट होता है, अगर आप उसको ढंग से पढ़ते हो तब, ठीक है। तो काफ़ी इजी क्लास है आपकी, आप आसानी से अच्छा स्कोर कर सकते हो, बट ज़रूरत है आपको एक अच्छे से प्लान की। तो प्लान आपको प्रोवाइड करने वाला हूँ यहाँ पर। तो फर्स्ट बात करते हैं हम इंग्लिश की। तो पहला सबसे इम्पॉर्टेंट है जो है लेक्चर, लेक्चर्स आर इम्पॉर्टेंट, सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है लेक्चर्स। अब लेक्चर्स की मैं कैसे क्या बात कर रहा हूँ आपकी, जो भी आपको स्कूल में टीचर्स पढ़ा रहे हैं वो आपको स्टोरीज पढ़ाते होंगे, ठीक है, रीडिंग करते होंगे आप लोग, और वहाँ पर आपको स्टोरीज भी पढ़ाते होंगे। अप्रोक्सीमेटली 45 मिनट्स का पीरियड होता है, वो रोज लगता है, तो काफ़ी इंपॉर्टेंट होते हैं वो 45 मिनट्स। तो रोज जो लेक्चर आपके हो रहे हैं, प्लीज उसको अच्छे से स्कूल में पढ़ लेना। अगर ये पढ़ लोगे तो आपको चैप्टर्स क्लियर हो जाएंगे। 45 मिनट्स डेली काफ़ी इंपॉर्टेंट हो जाते हैं, काफ़ी ज़्यादा हो जाते हैं वो। अगर रोज आप 45 मिनट फोकस के साथ वो लेक्चर अटेंड करते हो तो आपकी इंग्लिश आराम से हो जाएगी, आप अच्छा स्कोर भी कर सकते हो। लेकिन लेक्चर्स इनफ नहीं है, तो सेकंड पॉइंट है जो क्या है, रीड NCERT एंड देन गो फॉर द गाइड। आप खुद से भी NCERT रीड करो, और जब NCERT रीड कर लो उसके बाद क्या करना है, आपको गाइड की तरफ जाना है। गाइड बहुत सारी आती हैं इंग्लिश की, अरिहंट की आती है और भी कंपनी की आती हैं, आपको जो अच्छी लगे वो परचेज कर सकते हो। यूट्यूब पे ढेर सारे रिव्यूज़ हैं, उनको चेक करो, जो अच्छी लगे उसको बाय करके उसको फॉलो करना है। गाइड में इसलिए बोल रहा हूँ क्योंकि गाइड लेकर स्टडी करना काफ़ी ईजी हो जाता है। रीज़न, क्योंकि गाइड के अंदर आपको क्या मिलते हैं, जो भी आपके अनसीन पेसेज होते हैं जो आपके एग्जाम्स में आते हैं वो मिल जाते हैं, किस तरीके से आपकी क्वेश्चंस आपको एग्जाम में मिलते हैं वो सब आपको मिल जाता है। उसके साथ साथ ग्रामर सेक्शन की आपको अलग से बुक नहीं लेनी पड़ती, वो भी उसके अंदर मिल जाती है, तो सारा काम आसान हो जाता है, ठीक है। अगर आपके पास गाइड नहीं होगी तो क्या होगा कि आप बुक से पढ़ोगे, उसके बाद आप अलग अलग नोट्स ढूंढोगे, स्टडी मटेरियल ढूंढोगे, तो प्रॉब्लम होगी। तो गाइड से हेल्प ये रहती है कि आपको सारा स्टडी मटेरियल एक जगह पर मिल जाता है, और आप उसी को अगर फॉलो करोगे ना तो आपके आराम से 90 प्लस आ जाएंगे इन इंग्लिश। कोई बड़ी बात नहीं है इंग्लिश में 90 प्लस स्कोर करना, आसानी से कर पाओगे। सिर्फ क्या करना है, अपनी गाइड को फॉलो करना है, जो भी उसके अंदर ग्रामर सेक्शन है, जो भी उसके अंदर लेटर सेक्शन है, उसको आपको सब मिल जाएंगे, सब प्रीवियस ईयर क्वेश्चन भी मिल जाएंगे, उसको भी फॉलो कर लेना। और उसके साथ साथ जो आपने NCERT बुक पढ़ी होगी उससे रिलेटेड, यानी कि चैप्टर से रिलेटेड जो भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस होंगे वो भी आपको गाइड में मिल जाएंगे। किसी भी कंपनी की, किसी भी पब्लिशर की आप ले सकते हो, किसी भी राइटर की ले सकते हो, सब में आपको मिल जाएंगे, ठीक है। तो आप आराम से रिव्यू चेक कर सकते हो, ये कोई स्पॉन्सर वीडियो नहीं है इसलिए किसी का नाम नहीं ले रहा हूँ। तो आप आराम से कोई भी गाइड परचेस करें, उसको फॉलो करें, इंग्लिश में आराम से आप 90 प्लस, इवन आप 100 तक भी स्कोर कर सकते हो। डिपेंड करता है कि आपकी राइटिंग स्किल्स कैसी है, मतलब आप कैसे उसको प्रेजेंट कर पाते हो, उसके बारे में बाद में बात करेंगे, कैसे आपको अपने आंसर को रिप्रेजेंट करना है, प्रेजेंटेशन स्किल्स कैसी हैं आपकी, अगर वो अच्छी होती हैं तो आपके मार्क्स और अच्छे हो जाते हैं, तो वो अलग बात करेंगे। लेकिन जब आप इसको पढ़ लोगे, NCERT भी पढ़ लोगे, गाइड को फॉलो भी कर रहे हो, और आपको जब रिविज़न करना होगा, तो ड्यूरिंग द रिविज़न, जब रिविज़न आपको करना होगा तब क्या होगा, आपको फिर से वही स्टोरीज पढ़नी पड़ेगी, NCERT पढ़नी पड़ेगी। लेकिन दोबारा से NCERT पढ़ना क्या होता है, बोरिंग होता है, आप बार बार उस स्टोरी को पढ़ोगे आपको बोरिंग लगेगा। तो क्या करना है, आपको वो जो NCERT में जो भी स्टोरीज हैं, जो भी चैप्टर्स हैं, उनके लेक्चर्स देखने हैं। YouTube पर आपको लेक्चर्स मिल जाएंगे, उनके एनिमेशन में मिल जाएंगे, आप सर्च करेंगे तो काफ़ी कुछ मिलेगा। तो उसके क्या करेंगे, आप लेक्चर्स आपको मिल जाएंगे, तो आपको लेक्चर्स देखने हैं, और उन लेक्चर्स को देख के जो आपको स्टोरी में जो आपको बोर लगता है आपको वो नहीं लगेगा, और इस तरीके से आप आराम से प्रैक्टिस कर लोगे। और जब ये सब हो जाए तो गाइड में आपको प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर भी मिल जाएंगे, उसको सॉल्व करना, और उसमें अगर नहीं भी हैं, पुराने हैं, पुरानी बुक है आपके पास, तो आपके पास ऑनलाइन मिल जाएंगे प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस, उनको सॉल्व करना, आराम से 90 प्लस आ जाना है। ये बात होगी किसकी, इंग्लिश की, और इंग्लिश काफ़ी ज़्यादा स्कोरिंग सब्जेक्ट है। अगर आप उसको डेली थोड़ा टाइम दोगे, या फिर एग्ज़ाम से कुछ मंथ पहले ही टाइम दोगे,
तब भी आराम से 90 प्लस आप आराम से स्कोर कर सकते हो, ठीक है। उसके बाद हम बात करते हैं नेक्स्ट सब्जेक्ट की, जो है आपका मैथमेटिक्स, और जो कि काफ़ी इंपॉर्टेंट सब्जेक्ट है, सबसे ज़्यादा बच्चे इसी में परेशान होते हैं और सबसे ज़्यादा टफ यही होता है, तो इसके बारे में हम बात कर लेते हैं। तो पहली चीज़ सबसे इम्पॉर्टेंट है कि मैथ्स करने के लिए है प्रैक्टिस, प्रैक्टिस एज मच एज पॉसिबल, जितना प्रैक्टिस कर सकते हो उतनी प्रैक्टिस करो, एक बार करो, दो बार करो, तीन बार करो, जितना आप करोगे उतना ही इंप्रूव होगी मैथ्स, और जितना इंप्रूव होगी उतना अच्छे मार्क्स भी आएंगे। कैसे प्रैक्टिस करनी है, क्या प्रैक्टिस करना है, उसकी बात कर लेते हैं। तो पहला है भाई आपके पास एनसीईआरटी, एनसीईआरटी तो किंग है मैथ्स के लिए, कोई सा भी सब्जेक्ट हो तो एनसीईआरटी तो क्या है, किंग है, बेस्ट फ्रेंड है आपका, उसको आपको करना ही है, सबसे इंपॉर्टेंट है। एनसीईआरटी को करने के बाद अगर आप एक से दो बार एनसीईआरटी कर लो, तब जाकर आपको किस पे जाना है, तब आपको आरडी शर्मा करनी है। आरडी शर्मा में काफ़ी ऐसे क्वेश्चन जो काफ़ी टफ हैं, लेकिन उस तक इतना नहीं जाना है आपको, शुरुआत करनी है, जो ईजिएस्ट क्वेश्चन है पहले उनको कवर करना है। अगर टफ नहीं आ रहे हैं तो कोई बात नहीं, स्किप कर दो, टीचर से पूछ सकते हो, लेकिन आपको आरडी शर्मा करनी है, उससे आपको ढेर सारे क्वेश्चन मिल जाएंगे करने के लिए। और आपको करना क्या, आपको प्रैक्टिस करनी है, तो प्रैक्टिस के लिए जितने क्वेश्चन हो उतने ज़रूरी हैं, क्योंकि एनसीईआरटी में ऐसा है कि क्वेश्चन बहुत ही कम हैं, तो इतने कम क्वेश्चंस में कैसे प्रैक्टिस होगी, बार बार एक क्वेश्चन रिपीट हो रहा है, इवन इतना रिपीट होता है कि आपको वो क्वेश्चन याद भी रहते हैं, ठीक है। तो आरडी शर्मा में क्या मिलता है, आपको वैरायटी ऑफ क्वेश्चंस मिल जाते हैं, जिसके आप प्रैक्टिस करके अपना कॉन्सेप्ट को स्ट्रॉन्ग कर सकते हो, सिंपल है। उसके बाद इसमें कुछ हायर ऑर्डर थिंकिंग क्वेश्चन भी होते हैं, जो कि आपके आगे के लिए आईआईटी या फिर नीट की प्रिपरेशन कर रहे हो तो आपको वहां पर काम में आते हैं, मेनली वो आईआईटी के लिए होते हैं, ऐसे क्वेश्चंस जो जेईई मेंस में रिपीट हुए होते हैं उनके बारे में आप पढ़ सकते हो, लेकिन वो इतना ज़रूरी नहीं है। आप जस्ट क्लास 10th के लिए प्रिपेयर कर रहे हो तो आरडी शर्मा के जो आपके लेवल 1 और लेवल 2 के क्वेश्चन आंसर्स हैं उनको कर सकते हो, लेवल 3 अगर नहीं भी करो तब भी प्रॉब्लम नहीं है, ठीक है, तो इसको कर लेंगे। अगर आपका मन करता है, आपका मैथ्स अगर फेवरेट सब्जेक्ट है, तो लेवल 3 तक जा सकते हो, इतना हो गया। उसके बाद कुछ ऐसे सेक्शन हैं मैथ्स के अंदर जिसमें आपको प्रूफ करना पड़ता है, जैसे कि ज्योमेट्री के अंदर प्रूफ करना पड़ता है, ट्रिग्नोमेट्री के जो एंड पार्ट है वहाँ पर प्रूफ करना पड़ता है, लाइक आपका 8.4 में काफ़ी ज़्यादा प्रूफ आपको क्वेश्चंस मिल जाते हैं, तो जो प्रूविंग क्वेश्चंस होते हैं वो उसमें काफ़ी ज़्यादा आपको लर्न करना पड़ता है, मतलब आपको स्टेप याद करने पड़ते हैं, तो 7 to 8 टाइम्स आपको क्या करना है, उसको रिविजन करना है, बार बार लिख कर प्रैक्टिस करनी है, क्योंकि वो ऐसे क्वेश्चंस हैं जो एवरी ईयर रिपीट होते ही हैं, कन्फर्म है, 3 मार्क्स में 4 मार्क्स में वो रिपीट होते ही हैं, 2 मार्क्स में रिपीट हो जाते हैं, तो अगर रिपीट हो रहे हैं, आपको पता है रिपीट हो रहे हैं, तो वो क्वेश्चंस तो आपको आने चाहिए, तो 7 to 8 टाइम्स आप रिवाइज कर लो, लिख कर देखो, अब आपको अपने आप वो सब आ जाएंगे और आपकी मैथ्स स्ट्रांग हो जाएगी। सिंपल कॉन्सेप्ट है मैथ्स के, एनसीईआरटी करनी है, आरडी शर्मा करनी है, और आपको बताया कि एक ही रूल है मैथ में अच्छा स्कोर करने का, वो है प्रैक्टिस, एज मच एज पॉसिबल, जितना हो सके उतना प्रैक्टिस करो, और जितनी प्रैक्टिस करोगे उतनी ही मैथ अच्छी हो जानी है। ये भले ही कोई भी करे, एक टॉपर करे या फिर एक एवरेज करे, कोई भी अगर प्रैक्टिस करेगा तो मैथ तो स्ट्रांग हो ही जाएगी, ठीक है, इतना करना है। और सब एंड में तो आपको करना क्या है कि जब आप एनसीईआरटी भी हो जाए, आरडी शर्मा भी हो जाए, तो प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर तो कंपलसरी है ही, वो तो करना ही है। कहाँ से मिलेंगे, ऑनलाइन आप जा सकते हो सीबीएसई की ऑफिशियल वेबसाइट पर, वहाँ पर आपको सारे ईयर्स के प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर मिल जाएंगे, उनको सॉल्व करो, और अगर वहाँ नहीं तो आपके पास जो बुक्स हैं, जो भी आपके पास क्वेश्चन बैंक है, उसके अंदर प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर मिल जाएंगे, और वैसे भी आप अनसॉल्व पेपर भी परचेस करोगे तो उसमें भी आपको मिल ही जाएंगे, तो इतना ढूंढने में आपको दिक्कत नहीं होगी, तो आप ज़रूर सॉल्व करना। उसके बाद हम बात कर लेते हैं नेक्स्ट की, जो कि है आपका हिंदी, तो पहले हिंदी की बात कर लेते हैं। तो हिंदी काफ़ी ईजी सब्जेक्ट हो जाता है, किसी किसी के लिए टफ हो जाता है जिसको प्रॉब्लम होती है हिंदी में, लेकिन जैसे हमने इंग्लिश की बात करी सेम ऐसे ही हिंदी है, अगर हिंदी में टाइम दे लोगे थोड़ा सा भी तो आराम से 90 प्लस हो जाएंगे, लेकिन डिपेंड करता है कि आपने थोड़ा टाइम को दिया है कि नहीं दिया है। तो भाई पहला काम तो क्या है, रीड एवरी चैप्टर, आपको सारे चैप्टर रीड करने हैं, और इसके लिए भी पहला चीज़ तो यही आ जाती है कि आपको क्लास में ध्यान देना है, क्योंकि क्लास के अंदर आपको टीचर पढ़ाता है, यानी कि आपके पास 45 मिनट का वो लेक्चर होता है क्लास के अंदर, और उस लेक्चर में जो स्टोरी आपको टीचर एक्सप्लेन कर रहे हैं वो काफ़ी इंपॉर्टेंट है, जैसा आपको मैंने इंग्लिश में बताया। लेकिन इंग्लिश के अंदर दोनों के अंदर एक बात ध्यान रखने की ये है कि हो सकता है कि आपके स्कूल में टीचर्स इतने अच्छे ना हों, किसी स्कूल में अच्छे टीचर्स मिल जाते हैं किस्मत से, और आपके स्कूल में शायद नहीं हों बदकिस्मती से, तो क्या करना है आपको, आपके पास YouTube है, आप YouTube के ऊपर सारे लेक्चर्स की समरी देख सकते हैं, तो हिंदी लेक्चर की समरी देखो सारे चैप्टर्स की,
उसको रीड भी करो अगर रीड कर सकते हो, अगर क्लास में नहीं हो पा रहा है तब। और उसके बाद क्या करना है आपको, गाइड की ओर जाना है। गाइड क्यों इंपॉर्टेंट हो जाती है, मैं आपको पहले भी बता दिया क्यों इंपॉर्टेंट है, क्योंकि गाइड के अंदर सारा आपको सिलेबस मिल जाता है पैटर्न वाइज, यानी कि पहले आपको पैसेजेस मिल जाएंगे, पैटर्न के साथ मिल जाता है कि किस तरीके से वो आने वाला है। मतलब आपको गाइड के अंदर शुरुआत में आपको पैसेजेस भी मिल जाएंगे, उसके साथ साथ आपको लेटर्स भी मिल जाएंगे, और फिर ग्रामर सेक्शन में मिल जाएगा। इसके लिए आपको अलग अलग मटेरियल्स पे नहीं जाना पड़ेगा। तो अगर आपके पास गाइड होगी तो उसी को फॉलो करके आप पता कर पाओगे कि किस तरीका का पेपर बनता है, और उसकी आप प्रैक्टिस भी कर लोगे, तो काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो जाती है। काफ़ी ज़्यादा कंपनी के आपको गाइड्स मिल सकती हैं, आप चेक करो यूट्यूब पर, काफ़ी ज़्यादा ब्रांड्स आपको मिल जाते हैं हिंदी के लिए, जो अच्छी लगे, जिसके रिव्यू अच्छे हों उसको परचेज कर लेना, ठीक है। तो काफ़ी सिंपल हो जाएगी इस सबकी प्रैक्टिस अगर आप सिर्फ इतना कर लेते हो। हिंदी में आपको कुछ एक्स्ट्रा एफर्ट नहीं करने हैं, चैप्टर्स रीड करो, गाइड को फॉलो करो, आंसर को समझो, और उसके बाद बस लिखने की प्रैक्टिस कर लो, राइटिंग प्रैक्टिस कर लो, इतना काफ़ी है। अगर ये कर लोगे तो हिंदी में आपके 90 प्लस मार्क्स आ ही जाएंगे आराम से, तो इतना इसमें एफर्ट आपको नहीं लगाना पड़े। उसके बाद बात कर लेते हैं साइंस की, जो काफ़ी इंपॉर्टेंट सब्जेक्ट है। तो क्या करना है, कुछ स्टेप्स हैं। पहला है फर्स्टली फोकस ऑन द क्लास लेक्चर, आपको अपने क्लास लेक्चर पर फोकस करना है। ये मैंने आपको सारे सब्जेक्ट के बारे में बताया है। लेक्चर पर फोकस क्यों करना है, क्योंकि आपको जो स्कूल में पढ़ा रहे हैं काफ़ी देर का आपका वो पीरियड होता है, तो उसको वेस्ट नहीं करना है, उसको पढ़ना है। जितना भी आपके समझ में आता है उस क्लास के अंदर, वो कुछ तो काम आपके आएगा। नहीं समझ में आता है उसको क्या करना है आपको, वो उसके लिए आपके कोचिंग से, तो हो सके तो कोचिंग ज्वाइन कर लेना साइंस के लिए और मैथ्स के लिए भी, क्योंकि दोनों इंपॉर्टेंट हो जाते हैं। अगर आप सेल्फ स्टडी नहीं कर पा रहे हो तो काफ़ी इंपॉर्टेंट हो जाता है कि आपको इसके लिए कोचिंग ज्वाइन करना पड़े। क्यों, क्योंकि हो सकता है कि स्कूल में वो टाइम नहीं दे पाए आपको टीचर्स, वो आप डाउट क्लियर नहीं कर पाए, या फिर हो सकता है स्कूल के टीचर ही अच्छे ना हो, तो कोचिंग तो इंपॉर्टेंट हो जाता है। और अगर कोचिंग आप ऑफलाइन नहीं कर सकते तो ऑनलाइन कर लीजिए, काफ़ी ज़्यादा प्लेटफॉर्म्स हैं वहाँ पर आप पढ़ सकते हैं, लेकिन आपको पढ़ना ज़रूरी है। उससे आपको एक कंसिस्टेंसी के साथ रोज़ की स्टडी मिल जाएगी और वो काफ़ी इंपॉर्टेंट हो जाती है, ठीक है। उसके बाद है जो भी आपको मटेरियल चाहिए, सबसे बेस्ट है आपके लिए एस्टन। एस्टन इज लाइक अ आरडी शर्मा फॉर साइंस। जैसे मैथ्स के लिए आरडी शर्मा है, जिसमें आपको एक्स्ट्रा नॉलेज मिल जाती है, क्वेश्चन आंसर्स भी काफी इसमें अलग अलग लेवल्स के आते हैं। आपको बताया मैंने कि आरडी शर्मा में आपको अलग अलग लेवल के क्वेश्चन मिलते हैं, ऐसे इसके अंदर भी है कि आपको पहले थोड़े बेसिक लेवल क्वेश्चन मिलेंगे, फिर मॉडरेट, और फिर वो हाई लेवल पे जाते हैं। तो आप शुरू के क्वेश्चन पहले कर लो, अगर आप हाई लेवल कर पाओ तो अच्छी बात है, नहीं कर पाओ तो बाद में कर लेना, बट इंपॉर्टेंट हो जाती है जब आप एनसीईआरटी कर लो। इससे पहले आपको एनसीईआरटी तो करनी है, ऐसा नहीं है कि आपको एनसीईआरटी नहीं करनी है, एनसीईआरटी काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो जाती है, एनसीईआरटी तो करनी है, लेकिन एनसीईआरटी के बाद क्या करना है आपको, एसचन करनी है आपको, ये काफ़ी इंपॉर्टेंट हो जाती है, क्योंकि एनसीईआरटी में आपको काफ़ी ज़्यादा आसानी समझ में आ जाता है, क्योंकि एनसीईआरटी में आपको सारे टॉपिक्स पता चलेंगे कि कौन सा टॉपिक ज़्यादा आया है और क्या आपको पढ़ना है, और एसचन में आपको उसकी डीप नॉलेज मिल जाएगी, साथ में आप क्वेश्चन आंसर भी मिल जाएंगे, जो आपको काफ़ी हेल्प करेंगे आपकी प्रिपरेशन में। और इसके बाद जब साइंस हो जाए आपकी, एसचन भी हो जाए, तो इसके बाद आप परचेज कर सकते हो क्वेश्चन बैंक किसी भी ब्रांड की, जिसमें आपको इससे रिलेटेड क्वेश्चन आंसर मिल जाते हैं, ऐसे क्वेश्चन आंसर मिल जाते हैं जो कि काफ़ी रिपीट हुए हैं। अगर आप चाहते हो मैं एक पर्टिकुलर वीडियो बनाऊं क्वेश्चन बैंक्स के ऊपर अलग अलग पब्लिशर्स की, तो उसके ऊपर वीडियो जरूर बनाएंगे, आप मुझे कमेंट कर सकते हो ताकि मैं उस वीडियो बना पाऊँ आपको। तो साइंस आपको इस तरीके से करनी है कि पहले एनसीईआरटी कर लेना, उसके बाद एसचन कर लेना, देन जब ये भी हो जाए तब जाके आप क्वेश्चन बैंक पर जाएंगे, और क्वेश्चन बैंक के अंदर आपको ऐसे क्वेश्चन मिलते हैं जो कि प्रीवियसली काफ़ी आ चुके होते हैं, तो प्रीवियस ईयर क्वेश्चन भी आपके उस भी आराम से हो ही जाएंगे। उसके बाद है आपका क्या, एसएसटी, जो कि काफ़ी ज़्यादा परेशान करने वाला सब्जेक्ट है, जो काफ़ी लोग इसमें परेशान होते हैं क्योंकि काफ़ी थ्योरेटिकल सब्जेक्ट है, काफ़ी कम मार्क्स लोग इसमें आते हैं और लोग लिख भी नहीं पाते हैं। तो कुछ सिंपल स्टेप है उसको फॉलो करेंगे हमेशा की तरह। एनसीईआरटी तो यहाँ पर आपको करनी ही है, तो काफ़ी इंपॉर्टेंट है एनसीईआरटी। एनसीईआरटी की बुक पढ़ो, काफ़ी अच्छे से आपको समझ में आएगा कि आपको करना क्या है। उसके बाद क्या करना है आपको, लेक्चर्स जो भी स्कूल में आपको पढ़ाएंगे, अगर अच्छा पढ़ाते हैं तो अच्छी बात है, आप लकी हो, और अगर स्कूल में नहीं पढ़ा रहे हैं अच्छा, तो YouTube पर आप लेक्चर देख सकते हो जिस पर आपको सब मिल जाएगा, विद एनिमेशन भी मिल जाएगा, आपको लेक्चर्स भी मिल जाएंगे अच्छे वाले, तो आप वहाँ से पूरी स्टोरी समझ सकते हो जो भी हिस्ट्री ज्योग्राफी या फिर आपके सिविक्स में हो रखी है। उसके बाद आपको, आप कोशिश करो कि इसकी भी एक आप गाइड परचेज कर लो, अगर चाहो तो मत करो क्योंकि आपका काम इससे बन जाएगा और इससे भी बन जाएगा, लेकिन अगर आप गाइड नहीं लेना चाहते
तो आपको एक काम करना पड़ेगा जो कि गाइड से भी बेस्ट है, वो है नोट्स। जो आप एनसीईआरटी से पढ़ रहे हो और जो भी आप लेक्चर में पढ़ रहे हो उसके नोट्स बनाते हुए चलो। अगर सिर्फ आप इतना करते हो, गाइड मत लो कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन आपको क्या करना है, आपको नोट्स बनाने हैं। नोट्स अगर बनाओगे तो उससे एक काम होगा कि आपकी राइटिंग प्रैक्टिस होगी, आपको अलग से राइटिंग प्रैक्टिस करने की जरूरत नहीं पड़ेगी। और नोट्स बनाने से आप जब उसको खुद के वर्ड्स में लिखोगे तो आप आंसर भी अपनी आंसर शीट के अंदर खुद के वर्ड्स में लिख पाओगे। और उससे फायदा ये होगा कि आपको इतने लेंदी आंसर को रट्टा नहीं मारना पड़ेगा, सिर्फ समझ के आप खुद के वर्ड्स में ऑन वर्ड्स में अपना आंसर लिख पाओगे। ठीक है, तो चाहो तो अलग से राइटिंग प्रैक्टिस कर लो। जब गाइड परचेस करोगे तो आपको अलग से लिख लिख कर याद करना पड़ेगा, तो यहाँ भी ऐसी प्रॉब्लम आपको आएगी। तो इससे बेहतर है कि गाइड मत लो, एनसीईआरटी पढ़ो, लेक्चर्स अटेंड करो, उससे नोट्स बनाओ। नोट्स बनेंगे तो आपकी राइटिंग प्रैक्टिस अपने आप हो जाएगी, और नोट्स बनने से आपके खुद के वर्ड्स में आपको आंसर लिखना भी आ जाएगा। और सबसे आसान तरीका यही है, अच्छे स्कोर करने का तरीका यही है कि आप खुद के वर्ड्स में लिखो। अगर खुद के वर्ड्स में आप आंसर लिख पाते हो तो मार्क्स आपके अच्छे आते ही हैं, आप 90 प्लस या 100 स्कोर कर जाते हो अगर सिर्फ आप इन स्टेप को फॉलो करते हो तो। ठीक है, उसके बाद कर लेते हैं आपका लास्ट सब्जेक्ट की जो है आईटी, यानी कि कंप्यूटर एप्लीकेशंस। तो ये काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट है, एज अ बेस्ट फ्रेंड आपके लिए काम करेगा। क्यों? क्योंकि ये काफी इजी सब्जेक्ट है, कम पढ़ोगे तब भी आप इसमें आराम से 100 स्कोर कर सकते हो। 100 स्कोर कर लोगे तो जो आपकी परसेंटेज है वो अपने आप इंक्रीज हो जाएगी, क्योंकि एक ऑप्शनल सब्जेक्ट है आपका। तो अगर आपके किसी एक सब्जेक्ट में मार्क्स गिर भी रहे होंगे, थोड़े बहुत कम हो रहे होंगे, तो आप इसमें थोड़ा सा पढ़ के, जो भी स्कूल में पढ़ाया जा रहा है उससे पढ़ के, या फिर जो भी आपके पास बुक्स हैं उससे पढ़ के, आराम से कम पढ़कर भी 100 स्कोर कर सकते हो। और बाकी सब्जेक्ट में अगर आपके मार्क्स गिर रहे हैं तो उसको कवर करके आप अपनी परसेंटेज को इंक्रीज कर सकते हो, सिर्फ इस सब्जेक्ट के थ्रू। और इसमें कुछ नहीं करना है, आपको क्या करना है, सिंपल जो भी स्कूल में पढ़ा रहे हैं उसको फॉलो करो, और साथ में आपके पास जो बुक्स हैं उसको याद करो। अगर बुक से समझ में नहीं आ रहा है कैसे पढ़ सकते हैं, तो सिंपल है, बेसिक है, जो भी स्कूल की नोटबुक बन रही है उसी से ही याद करो। प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर सॉल्व कर लो आईटी के, और अगर वो भी नहीं कर पा रहे हो तो लेक्चर्स देखो यूट्यूब के ऊपर, वो आपको और इजी लगेगा। कुछ नहीं करना है, बहुत से बहुत 1 month एग्जाम से 1 month या 2 month पहले पढ़ना है और आपके अच्छे मार्क्स आ जाएंगे। ठीक है, तो ये थी आज की वीडियो, होप आपको समझ में आई होगी कि कैसे आपको स्कोर करना है 90 प्लस इन ईच सब्जेक्ट। मैंने सबकी बात करी, अगर आपको समझ में आई है तो वीडियो को लाइक कर देना, साथ में चैनल को सब्सक्राइब भी कर देना। अगर आपको इसके बारे में और जानना है तो आप मुझे कमेंट कर सकते हो ताकि मैं उस वीडियो बना पाऊं। तो मिलते हैं आपसे अगली वीडियो में, तब तक के लिए ऑल द बेस्ट, थैंक्स फॉर वॉचिंग एंड पीस।